उसका ऑन एन एवरेज अगर कोस्ट रहा है रुपीज वन थाउजेंड वही गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया से आप इंपोर्ट कर रहे हो ए से इंपोर्ट कर रहे हो मान लो आप या किसी और डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो उसकी आ रही कितनी एट हंड्रेड सर डेफिनेटली हम क्या खरीदेंगे एट हंड्रेड वाली गुड्स खरीदेंगे इसलिए सर गवर्नमेंट के अमाउंट विद द ऑफ कस्टम ड्यूटी और कस्टम लगाया उन्होंने कितना टू हंड्रेड कितना हो गया थाउजेंड इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यू थाउजेंड हो गया डॉमेस्टिक गुड का वैल्यू सर फिर कस्टम ड्यूटी के साथ में क्या लगेगा सर सोशल वेलफेयर सर चार्ज लगेगा देन सर सिंस डोमेस्टिक गुड्स पर एस लगता है इस लेट टू इक्वलाइज द जीएसटी थ्री सेवन चार्ज किया एंड सर जीएसटी रहा है तो उसको इक्वलाइज करने के लिए थ्री नाइन चार्ज किया एंड अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ द गुड्स आ जाएगी इक्वलाइज तो अल्टीमेटली कस्टम चार्ज क्यों तो टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ नो डाउट सर डोमेस्टिक मार्केट अगर आउट ऑफ इंडिया के सर एक्सपोर्टर्स डोमेस्टिक मार्केट का मार्केट यूज करते तो डेफिनेटली कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू सर उनसे भी जनरेट होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को सर सिंस डोमेस्टिक मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी सोर्स ऑफ अपनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू से कुछ रेवेन्यू सर इंडियन गवर्नमेंट को देते तो वहां से भी लेना चाहिए पर कितना ले लूट ले क्या सर इसलिए फंडामेंटल आया कि सर आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ टू इक्वलाइज द इम्पोर्टेंट गुड्स डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ आई होप आपको रिवाइज हो गया फंडामेंटल आइए शुरू करते हैं हम कस्टम्स वन का रिविजन एंड सर दिल थाम के बैठेगा क्योंकि सर कस्टम्स बहुत इजी है पर सर कंसंट्रेशन अगर इधर रखा तो सर पूरा कस्टम्स आपके टिप्स पे होगा जिस तरह से जीएसटी आपके टिप्स पे आ गया है तो सरकार शुरू करते हैं माहौल के साथ जीएसटी कस्टम्स का रिवीजन सर सबसे पहला सर डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटीज सर डेफिनेशन में कुछ सिलेक्टेड डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं सर सबसे पहली बात एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू तो अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ब्रिंगिंग द गुड्स इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया सर उसको इंपोर्ट करेंगे मान लो आपने चाइना से परचेज किया और जापान में बेच दिया वो इंपोर्ट हुआ ही नहीं साहब ना इंपोर्ट हुआ ना एक्सपोर्ट हुआ क्योंकि टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू outside आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया टू इंडिया इज कॉल्ड import. सर इंडिया में गुड्स आएगी तो import होगा इंडिया से गुड्स इंडिया से गुड्स जाएगी तो एक्सपोर्ट होगा सब आइए सर बहुत ही important डेफिनेशन इंडियन कस्टम्स waters ध्यान दीजिएगा बेटा इंडियन कस्टम बॉर्डर पहले केवल 24 नॉटिकल माइल तक हुआ करता था पर सर नाउ दिस इंडियन इंडियन कस्टम्स बॉर्डर एक्सटेंड्स टू सर 200 नॉटिकल माइल्स मतलब जहां तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया सर जहां तक कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया है वहां तक इंडियन कस्टम वॉर्डर का डेफिनेशन एक्सटेंड कर दिया है एंड सर इंडियन कस्टम बॉर्डर का मतलब है, बेस लाइन से लेकर 200 हंड्रेड नोटिकल माइल तक इंडियन कस्टम वार्डर होगा सर इंडियन कस्टम वार्डर का डेफिनेशन एक्सटेंड करने का पर्पज क्या रहा क्या मीनिंग रहा है दो मिनट बात समझते हम ये देखिए इंडिया का डेफिनेशन मेरा हिंदुस्तान भारत माँ आपकी और हमारी सर सर हिंदुस्तान इंडिया को डिफाइन करो इंडिया मीन लैंड मार्क्स जो मैप आप देखते हो तो यही है प्लस वहां से टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स से 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक हमारा देश फैला हुआ है उसके ऊपर की जमीन नीचे का आ, सर उसके नीचे की जमीन ऊपर का आसमान भी हमारा है ओह साहब देखिए सर रिवीजन में फास्ट बोलते बोलते पता नहीं क्या उल्टा निकल जाता है ऊपर की जमीन नीचे का आसमान सर ऐसा लगता है योगा कर रहे उल्टा होके सर आइए सरकार तो इंडिया दो सो नोटिकल माइल तक है पर उसको भी सर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट फर्स्ट है क्या फर्स्ट ट्वेल्व नोटिकल वाटर्स और उसके आगे वाले एरिया को बोलते हैं क्या सर कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया जो वन एटी एट नोटिकल माइल्स इंडियन कस्टम वॉटर भी बोलते हैं अब सर सुनिएगा ध्यान से फॉर द दर्पज ऑफ कस्टम्स एक्ट इंडिया इंडिया मीन प्लस ओनली ओनली इंडियन मतलब सर कस्टम्स एक्ट पर जो ये 188 है, सर के लिए क्या प्रोविजन है? 188 miles, no इंडिया का है इंडिया का था और इंडिया का रहेगा पर सर यहां पे कस्टम्स एक्ट के सारे प्रोविजन अप्लाई नहीं, नहीं होते पर सिंस इसको इंडियन कस्टम वोटर की डेफिनेशन डाल दिया है इसलिए अगर वहां पे कोई आप इल्लीगल एक्टिविटी कर रहे हो कोई स्मगलिंग का काम कर रहे हो को लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो जो अनऑथराइड है सर या उसमें आप इन्वॉल्व डायरेक्टली डायरेक्टली तो ऐसे केस में अरेस्ट और डिटेंशन के प्रोविजन वहां अट्रैक्ट होते हैं बाकी उसके अलावा कोई और प्रोविजन कस्टम्स के वहां पर अप्लाई नहीं होते हैं सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई वैसल उस 188 एटी एट नोटिकल माइल में आया और आके घूम फिर के निकल गया विदाउट एंट्रिंग इंटू इंडियन टेरिटोरियल तो ऐसे केस में सर अगर उसने कोई ऑफेंस वगैरह नहीं किया तो कस्टम्स एक्ट के कोई भी प्रोविजन उसमें अट्रैक्ट नहीं होंगे इसलिए उसको बोलते हैं क्या फ्री ट्रांजिट जोन फॉर इंटरनेशनल शिपमेंट आइए माहौल के साथ हम आगे बढ़ते हैं अच्छा एक बात और इस डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस आपको और समझा देता हूं सर वन एटी एट नोटिकल माइल्स में सर केवल डेजिग्नेटेड एरिया जैसे सर ऑयल रिक्स अरे भाई उस वन एट एट नोट में अगर कोई ऑयल रिग एस्टेब्लिड है ऐसे केस में वो ऑयल रिग इंडिया की डेफिनेशन का पार्ट बनता है और सर वहां पर उस ऑयल रिग पर वो इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर या वेसल विच इज इंस्टॉल्ड फॉर पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन में सर जो ऑयल रिक्स है वो इंडिया की डेफिनेशन में आता है उसके अलावा 188 एटी एट नोटिकल मेल इंडिया की डेफिनेशन नहीं आता फॉर दर्पज ऑफ चार्जिंग ड्यूटी तो सर इसका मतलब हो गया, कि अगर कोई goods, सर उस इंडियन सर ध्यान दीजिएगा

सर फॉर दी दर्पज ऑफ कस्टम्स इंडिया के डेफिनेशन में नहीं आता है शायद आपको बात समझ में आ गई होगी भारत मत आई आइए सरकार कस्टम कस्टमटेरी एक्ट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं सेक्शन नंबर बोलता है क्या एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात सेक्शन नंबर थ्री सब सेक्शन सेवन ऑफ द कस्टम एक्ट सर दिस इज द एडिशनल एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो सर इस पर सेक्शन नंबर फाइव ऑफ दी आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग लेवी होती है दिस इज आईजीएसटी दिस इज टू इक्वलाइज द आईजीएसटी व्हिच इज बीइंग लेविड इन इंडिया सर और ध्यान दीजिएगा बड़ा एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स जब कस्टम क्लियर कराएंगे उस टाइम पे अलोंग विद कस्टम विद्यूटी आपको ये आईजीएसटी भी पे, पे करना पड़ेगा हा इंडिया में जो जीएसटी ग्रेड होगी वही आईजीएसटी जीएसटी ग्रेड यहाँ पे भी लगेगी सर एब्सोल्युटली वही है जो जीएसटी में होगा वही यहाँ पे हो रहा है सर वो ये भी एक्जाम सर पर अगर एस की यूनिट ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो सर ऐसे केस में उसको अगर उसने ऑथराइज ऑपरेशन के लिए गुड्स को इंपोर्ट किया तो आईजीएसटी एग्जाम किया हुआ सर क्योंकि सर डोमेस्टिक मार्केट से अगर वो परचेस करता तो भी जीरो रेट सप्लाई होता है क्लियर डन अब वो सर थ्री जो होता है आईजीएसटी वो लगेगा किस वैल्यू पे लगेगा तो उसके लिए बोल दे के हम, एस पर सेक्शन नंबर थ्री एट और थ्री एट ए विच एवरेज

इंपोर्ट करने के बाद कस्टम बोर्ड वेरहाउस में आपने उसको स्टोर करा दिया और कस्टम बोर्ड में अगर आपने उन गुड्स को किसी को बेचा है तो सर जब आपने बेचा तो किस प्राइस में बेचा और अगर मल्टीपल टाइम सेल हुआ तो लास्ट सेल प्राइस क्या थी दैट इज द सेल प्राइस फॉर दर्पज ऑफ चार्जिंग थ्री सेवन क्लियर अब सर वो जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई पर सेक्शन में थ्री एट ए तो सर थ्री एट और थ्री एट ए विचर इज हायर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे लगेगा क्या थ्री सेवन और हां अगर मान लो आपने कुछ गुड्स को बेचा था मान लो गुड्स को आपने कस्टम वेर हाउस में स्टोर कराया और उसके बाद कुछ गुड्स आपने वेयरहाउस के अंदर बेची कुछ नहीं बेची तो ऐसे में प्रपोर्शन हो जाएगा जो आपने गुड्स नहीं बेची है सर उसके लिए तो थ्री एट लगेगा सब

जीएसटी के अंदर तो वही होता सब क्योंकि वो अल्टीमेटली है तो जीएसटी सर अच्छा किस वैल्यू पे लगेगा सर सेक्शन थ्री टेन और थ्री टेन ए विचर इज हायर और एब्सोल्युटली जो थ्री एट और थ्री एट हमने पढ़ा है यहां पर वही थ्री टेन और थ्री टेन ए का ही सेम डेफिनेशन देखा है और आप ये ध्यान रखिएगा जिस वैल्यू पे थ्री सेवन लग रहा है उसी वैल्यू पे थ्री नाइन लगाना आपको सिंपल सी बात यह

जिन गुड्स पर एक्साइज एक्सिमट है उन गुड्स पर थ्री वन नहीं लगेगा अब एट परसेंट तो कुछ ही गुड्स बची जिन पे एक्साइज लगता है सेंट्रल एक्साइज डी पे थ्री वन लगेगा कितना लगेगा क्या लगेगा सर दैट डिपेंड्स कि कितना एक्साइज लग रहा है क्लियर फिर थ्री थ्री अगर कोई गुड्स वैसे अभी पॉइंट रिलेवेंट ज्यादा नहीं है प्रैक्टिकल है पर फिर भी अगर कोई गुड्स इसके सेल करने पर एक्साइज ड्यूटी एग्जाम था पर उसके इनपुट्स और इनपुट सर्विस पे एक्साइज या सर्विस टैक्स लगता था तो उसके इनपुट पे जो एक्साइज लगाया इनपुट सर्विस पे जो सर्विस टैक्स लगाए उसको इक्वलाइज करने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो कोई गुड्स अगर इम्पोर्ट कर रहे तो उस पर सिंस थ्री थ्री सेवन थ्री मंथ तो, तो लगेगा नहीं क्योंकि एक्साइज एग्जाम है पर सर अगर उसके इनपुट कंटेंट पर सर एक्साइज या सर्विस टैक्स लगा हुआ होता है तो ऐसे केस में

एस एडी स्पेशल एडिशनल इसकी रेट फिक्स है कितनी फोर परसेंट क्योंकि सर वेट की रेट हर स्टेट में अलग अलग है और वेट की रेट हर स्टेट में अलग अलग होती है इसलिए जनरली मैक्सिमम स्टेट में रेट ऑफ वेट मैक्सिमम गुड्स पर फोर परसेंट थी इसलिए थ्री फाइव की रेट फिक्स कर दी कितनी फोर परसेंट एंड दिस इज चार्ज टू इक्वलाइज द इम्पोर्ट गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ वेट सी एस टी और लोकल टैक्सेस विच इज बिंग चार्ज इन इंडिया क्लियर डन इसलिए भले आपके स्टेट के अंदर वेट एग्जाम था या नहीं था फिक्स रेट थी फोर परसेंट की बेटा जब तक गवर्नमेंट अलग से इसको एग्जुम नहीं करे हमेशा लगती थी ये क्लियर वैसे बहुत रिलेवेंट नहीं रहा क्योंकि बहुत कुछ ही गुड्स बची केवल कुछ गुड्स बचे जिनपे क्या लगता है वेट या एक्साइज ओके डन ये था थ्री वन थ्री 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 फाइव थ्री सेवन थ्री एट थ्री एट एन थ्री नाइन थ्री टेन थ्री टेन ए भारत माता की जय सर आइए सोशल वेलफेयर सरचार्ज ये बोलता है क्या अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है रिपीट इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो जो भी कस्टम ड्यूटी लग रही है उसका टेन परसेंट ड्यूटी का टेन परसेंट आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज ये गवर्नमेंट ने अलग से फंड बनाया सो दे गवर्नमेंट सर देश के सर एक अलग से फंड तैयार कर रही है सो so दैट सर देश के लोगों का भला कर पाया सोशली वेलफेयर कर पाया सर क्लियर सर पर ये बोल दिया गया दिस सोशल वेलफेयर सर चार्ज ये चार्ज होगा किस पे ड्यूटी के अमाउंट पर बट सर इस पर नहीं लगेगा किस पर नहीं लगेगा सेफ गार्ड ड्यूटी वेलिंग ड्यूटी देन एंटी डंपिंग ड्यूटी काउंटरवलिंग ड्यूटी मतलब ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी बेटा देन सोशल वेलफेयर सरचार्ज चार्ज इट खुद पे नहीं लगेगा थ्री सेवन थ्री नाइन पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता एक सर्कुलर आया था सर्कुलर ने बोला था क्या साहब टेन परसेंट जो सोशल वेलफेयर चर्चा लगता है किस पर लगता है ड्यूटी के अमाउंट पर लगता है अगर मान लो सर कस्टम ड्यूटी एक्जिम है तो सर ये सोशल वेलफेयर चर्चा भी एक्जिम होगा ऐसा नहीं कि आप आपको नोशनल ड्यूटी का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो और उस पर लगा दो सर कस्टम सोशल वेलफेयर चार्चार्ज ऐसा नहीं है सर टेन परसेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सर ये वैसे सेलेवन नहीं है एग्जामिनेशन एक्जाम के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है गवर्नमेंट ने इसको फाइनेंस एक्ट टू के थ्रू सेक्शन वन ट्वेंटी के थ्रू लगाया गया है एंड सर ये बोल दिया क्या जितना

कुछ गुड्स का इंपोर्ट बढ़ जा रहा है और सर डोमेस्टिक मार्केट खतरे में तो ऐसे केस में टू प्रोडक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री गवर्नमेंट चाहे तो बाई ऑफ नोटिफिकेशन एक एडिशनल ड्यूटी लगा सकती है इसका नाम क्या होगा प्रोडक्टिटी इसको शेड्यूल वन के अंदर ही इंसर्ट किया जाएगा एंड दिस इज ट्रीटेड एट पार द बेसिक कस्टम ड्यूटी फॉर एवरी पर्पस एंड सर अगर इस ड्यूटी को इंप्रूव इंक्रीज uh, करना है तो ऐसे केस में पार्लियामेंट का रिक्वायरमेंट पार्लियामेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है आइए सर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई द सेफ मेजर्स सेक्शन नंबर एट बी ऑफ दस्टम क्या बोलता है साहब गवर्नमेंट का पावर है कि अगर इस तरह के सर्कमस्टेंसेज है कि डोमेस्टिक मार्केट को सेफ करना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड प्लेयर्स डोमेस्टिक मार्केट की बैंड बजा रहे हैं या बैंड बजाने वाले हैं मतलब दे आर थ्रेटनिंग टू कॉज द इंजरी टू द डोमेस्टिक मार्केट और दे आर कॉजिंग द दे आर थ्रेटनिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो ऐसे केस में गवर्नमेंट का पावर है कि इमीजिएटली बाई इश्यू नोटिफिकेशन वो क्या कर सकते हैं सर सर सेफ गार्ड मेजर्स इंपोज कर सकते हैं अब सेफ गार्ड मेजर्स क्या इंपोज करेंगे सर मोड ऑफ सेफ गार्ड मेजर्स या तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दें या फिर या फिर एक टिफ रेट कोटा फिक्स कर दे मतलब मिनिमम क्वांटिटी इतनी अगर आ गई किसी पर्टिकुलर कंट्री से तो ठीक है उससे ऊपर अगर आएगी तो उस पर हम सेफ गार्ड लगा देंगे या अदर मेजर्स एज एज द सेंट्र गवर्नमेंट डीम्स अप्रोप्रिएट सर कोई भी सेफ गार्ड मेजर से गवर्नमेंट इंपोज कर सकता है पर हां ध्यान देना बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है सेफ गार्ड मेजर्स विल बी एग्जिम्ड इन द फॉलोइंग थ्री केसेज सर बहुत ही इंपोर्टेंट इसके बारे में क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में सर अगर आप डेवलपिंग कंट्री से कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो कहां से इंपोर्ट कर रहे हो भाई डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो तो सर टोटल इंपोर्ट का अप थ्री परसेंट तक का उस गुड्स का इंपोर्ट उस पर्टिकुलर एक कंट्री से है तो सर डेवलपिंग कंट्री से वो गुड्स अगर इंपोर्ट 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 हुआ अप अप टू टू ऑफ ऑफ द टोटल दैट आर्टिकल इनटू इंडिया तो तो ऐसे केस में हम 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 उस पर्टिकुलर पर सर to 3 है तो मेजर्स इंपोज नहीं करेंगे पर अगर मोर देन वन कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है गवर्नमेंट क्या बोला हम डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करने के लिए सेफ गार्ड मेजर्स उन इंपोर्ट पर नहीं लगाएंगे जो इंपोर्ट डेवलपिंग कंट्री से हो रहा है पर अगर सर उसकी लिमिट लगा दी कि अगर एक डेवलपिंग कंट्री इंपोर्ट हो रहा है तो थ्री परसेंट तक पर अगर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्रीज हो रहा तो ईच 3% परसेंट टोटल अपटू नाइन परसेंट तक का इम्पोर्ट है ऑफ दैट आर्टिकल फ्रॉम ऑल द डेवलपिंग कंट्री टेकन टूगेदर क्लियर तो ऐसे केस में हम सेफ नहीं लगाएंगे पर अगर सर फॉर एक्साम्पल यहां पर थ्री परसेंट है सर थ्री परसेंट क्रॉस करके फोर परसेंट हो गया तो पूरे फोर परसेंट पे सेफ गार्ड मेजर सर दिमाग करना इस क्वेश्चन मैंने वैल्यूशन चैप्टर में दे रखा था सर आपको आइए सर इंपोर्ट बाय्रेड परसेंट यू सर हंड्रेड परसेंट या एसजेड की यूनिट ने कोई गुड्स अगर इम्पोर्ट करिए तो उस पर सेफ गार्ड मेजर इंपोर्ट नहीं होंगे अनलेस सर इफ इट इज स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल या फिर इनने क्या किया जो गुड्स इंपोर्ट किया सेफ गार्ड हमने एग्जाम किया हुआ था अब अब इन्होंने एच डी ये सेम गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया या इनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट बेच दिया तो ऐसे केस में हम सेफ गार्ड मेजर इंपोज कर देंगे अदरवाइज हम सेफ गार्ड नहीं लगाएंगे सर इनको टू प्रमोट द प्रमोट द एस यूनिट एंड एंड हंड्रेड परोविजनल गवर्नमेंट ने बोला है क्या सर अब सेफ गार्ड मेजर इंपोज करने स्टडी ये सब, ये सब का केस है क्लियर तब तक क्या करेंगे तो गर्वमेंट के पास पा रही इंपोज कर सकती है बट दिस प्रोविजनल सेफ गार्ड मेजर कैनट भी फॉर मोर देन टू हंड्रेड डेज फ्रॉम दफ इम्पोजेशन दो सौ दिन के अंदर आपको कन्फर्म करने की सेफ गार्ड लगाना है की नहीं लगाना है ड्यूरेशन कितना है एक बार सेफ गार्ड एक बार सेफ गार्ड मेजर अगर लगे तो चार साल तक रहेगा और गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकती है फॉर फर्दर

ऐसा कोई बेनिफिट दिया जो सर क्या हो रहा है किसी पब्लिक बॉडी ने दिया या सेंट्रल या वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया जैसे फंड्स लाइक ग्रांट्स दिए लोन्स दिए वेवर ऑफ दी रेवेन्यू दी दिया विच इज ड्यू टू गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट को कोई पैसा देना था इनको वो वेव कर दिया तो कुल मिला इस तरह का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी पब्लिक बॉडी ने या गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है सर तो ऐसे केस में उसको बोलेंगे क्या गुड्स आर इम्पोर्टेड इन इंडिया एट सब्सिडाइड प्राइस सर इफ द गुड्स आर कमिंग टू इंडिया इफ्सिंग इंपोर्ट इन इंडिया एट असनल प्राइस सर उसका कारण क्या निकला कारण जब पता किया गावर तो कि की, की, तो की इमीजिएटलीफिकेशन सर सर, सर, सर काउंटर विलिंग ड्यूटी चार्ज कर सकते हैं टू काउंटर विल द सब्सिडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल क्लियर उसको ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी भी बोलते हैं ओके सर ध्यान दीजिएगा बेटा मेरी बात को सर अब क्या हुआ गवर्नमेंट जब इस ड्यूटी को लगाएगी सबसे पहले क्या होता है सर कंट्री ऑफ ऑरिजिन की गवर्नमेंट से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा इसलिए इमीजिएटली इस ड्यूटी को चार्ज करते हैं बट ऑन अ प्रोविजनल बेसिस तो प्रोविजनल ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी लग जाएगी एक बार पर सर यहाँ पे 200 दिन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है ये 200 दिन का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है सर जैसे ही कंफर्म होगा उस पर यह uh, सर ड्यूटी इंपोज हो जाएगी एक बार प्रोविजनल बेस पे चार्ज हो जाएगी फिर कंफर्म होने के बाद ड्यूटी लगाना है कि नहीं लगाना है कन्फर्म हो जाएगा सेकंड थिंग सर एक बार ये ड्यूटी लग गई तो सर दिस कैन बी इन्फोर्स फॉर फाइव ईयर्स एक्सटेंशन और हो सकता है फर्दर फॉर फाइव मोर इयर्स इंक्लूडिंग देन रेट्रोस्पेक्टिवली दिस ड्यूटी कैन बी चार्ज बट नॉट बियॉन्ड 90 डेज सर मैक्सिमम पिछले 90 डेज के लिए दिस ड्यूटी कैन बी चार्ज रेट्रोस्पेक्टिवली प्लस अगर किसी 100 परसेंट ईयू या एस जेड की यूनिट ने यह गुड्स इंपोर्ट किया तो ऐसे केस में हम सरकार ये चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि सर ये सस्ते दामों में गुड्स आ रहा है तो ये सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करेंगे सर इसलिए नो no, एंटी सब्सिडी ड्यूटी और ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी और ड्यूटी ऑन सब्सड आर्टिकल विल बी चार्ज इफ द गुड्स आर इंपोर्टेड और यूनिट ऑफ अनलेस इफ इट इज स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल या फिर इन्होंने जो बनने वाले गुड्स थे वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच या फिर इन्होंने इंपोर्ट करके सेम एज इट इज डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स को क्लियर कर दिया तो ऐसे केस में हम सर ये ड्यूटी लगा देंगे ऑब्वियसली सरकार डन अब एक बात और ध्यान दीजिएगा एंटी सरकमेंशन मेजर क्या होता है सर ये यहां भी आएगा और आगे एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी आ रहा है सेम पॉइंट है अगर आपने सर किसी गुड्स को किसी गुड्स का कोई फॉर्मेशन चेंज कर दिया जैसे असेंबल डिसअसेंबल कर दिया आपने सर आपने पार्ट्स कंपोनेंट्स में गुड्स को इंपोर्ट कर दिया उसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया किसी भी कारण से किसी भी तरह से सर या आपने उसका कंट्री ऑफ ऑरिजिन चेंज कर दिया सर ऐसा करने से आप बचने वाले नहीं हो यह बोला है सर मतलब आप कहीं कही ना कहीं से बचना चाह रहे हो सर जैसे आपने मार्कर इंपोर्ट किया अब सर मार्कर पे मान लो एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी लगा दिया गवर्नमेंट ने अब आपने क्या किया सर गवर्नमेंट ने बोल दिया चाइना से अगर मार्कर इंपोर्ट करे तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग लगा दो तो या एंटी सब्सिडी लगा दो तो, अब आपने क्या किया चाइना से नेपाल इंपोर्ट किया नेपाल से इंपोर्ट कर लिया इंडिया के अंदर एंड सर कंट्री ऑफ ऑरिजिन लिख दिया आपने क्या नेपाल अब सर आपने कंट्री ऑफ ऑरिजिन चेंज कर दिया चाइना से तो आ नहीं रहा सब जबकि अल्टीमेटली आया चाइना से ही सर

सर सरकमेंशन करने की कोशिश करी तो ऐसे केस में एंटी सरकमेंशन मेजर यह कहता है कि सर आप कुछ भी ऑल्टरेशन कर दीजिए गुड्स के डिस्क्रिप्शन में गुड्स को पार्ट मंगा लीजिए गुड्स के कंट्री ऑफ ऑरिजिन चेंज कर लीजिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम सर अगर ये वाली गुड्स ने इंपोर्ट तो ऐसे केस में ड्यूटी ऑन आर्टिकल जो हम लगाते हैं वो लगाएंगे ड्यूटी सब्सिडी लगेगा सर और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देखिए उन गुड्स पे भी चार्ज करेगी ड्यूटी सब्सिडी हाँ बट सर कब से चार्ज करेगी जिस दिन से इंक्वायरी शुरू किया उस दिन या उसके बाद से ही दिस

गुड्स डंप हो गई थी और डम्ड प्राइस पे गुड्स पे इंडिया में आ रहा है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट इमीडिएटली नोटिफिकेशन इशू करके एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी अब एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना लगाएगी तो सर वहां लिख दिया गया एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना चार्ज होगा सब मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजनी मार्जिन विचवरीज हायर सर सॉरी विचअरीज लोअर सर इंजनी मार्जिन और मार्जिन ऑफ डंपिंग विच एवर इज लोअर इतना लगेगा क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी अब आप कहेंगे क्या मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होता है मार्जिन ऑफ डंपिंग मतलब नॉर्मल प्राइस था कितना 800 सर इंपोर्टेड प्राइस जो अभी प्राइस आया जिस प्राइस पे गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ है सर मतलब जो उस एक्सपोर्टर ने प्राइस चार्ज किया पहले चार्ज करता था नॉर्मली आठ सर अभी चार्ज किया कितना फाइव तो सर डिफरेंस कितना है थ्री तो दिस इज द सर मार्जिन ऑफ डंपिंग थ्री हंड्रेड रुपीज द मार्जिन ऑफ डंपिंग एंड इंजिन मार्जिन मतलब डोमेस्टिक मार्केट में सर

ओ भाई इंजरी मार्जिन की ये प्राइस ये मार्जिन था है जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में इंजरी हो जाएगी इसलिए उसको बोलते हैं क्या इंजरी मार्जिन एवर इज लोअर उस पर उतना लग जाएगा क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी इमीडिएटली गवर्मेंट बाई नोटिफिकेशन ये चार्ज कर लेगी क्लियर सर सेम पॉइंट सर पांच साल प्लस पांच साल के लिए टैक्स चार्ज हो सकता है प्लस सर रेट्रोस्पेक्टिव चार्ज हो सकता है

आप प्रूव कर दे तो इंपोर्टेंट प्रूव करते कि आपने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा चार्ज कर दिया जबकि इतना इतना डंपिंग हुआ ही नहीं आपने एक्सेस एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर दिया तो ऐसे केस में आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हो अपील में अगर आप जीत गए तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा रिफंड इज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्टर रिफंड के लिए क्या करना पड़ेगा सर यहां पर रूल्स दे रखे सर रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी रेड इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल मार्जिन ऑफ डंपिंग रूल्स टू वो बोलता है क्या जिस पोर्ट से आपने इंपोर्ट किया था उस पोर्ट के असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को आप अप्लाई कर देना रिफंड के लिए जिस दिन ऑर्डर आया जजमेंट आया आपके फेवर में उसके आन महीने के अंदर आप क्या कर दीजिएगा उसका अप्लाई कर दीजिए रिफंड के लिए अगर डेफिशिएंट क्लेम रहा तो आपको विद इन वन मंथ लुटेगा

इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड ड्यूटी ऑन आर्टिकल सरकार एंटी एब्जॉर्न रिव्यू मतलब क्या हुआ ऐसे ऐसे लोग देश के अंदर क्या बताऊं मैं आपको? सर सर आपको जो गुड्स इंपोर्ट हो रही थी वो डम्ड प्राइस में हो रही थी इंपोर्ट इसलिए हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया सर जो गुड्स सब्सिडाइज प्राइस पे इंपोर्ट हो रही थी सर उस पर काउंटरवलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगा दिया और उसके बाद भी वहां के एक्सपोर्टर ने क्या किया उन गुड्स की प्राइसेस और कम कर दी सो दैट एंटी डंपिंग ड्यूटी और एंटी सब्सिडी ड्यूटी जो चार्ज करी गवर्नमेंट ने वो एब्जॉर्व हो जाए सर उसका सर अगेन प्राइस कम हो गया सर हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी है एंटी सब्सिडी चार्ज करने की वजह से सर कुछ सर अगेन इंपोर्ट कुछ कम कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि अगेन उन्होंने प्राइसेस कम कर दी विदाउट कमेंसरेड चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सर ऐसे केस में अगेन डोमेस्टिक गुड्स महंगा होगा इंपोर्ट गुड्स सस्ते होंगे ये ड्यूटीज चार्ज होने के बावजूद तो सर गवर्नमेंट ने ये सेक्शन नंबर नाइन ए सब सब सेक्शन 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 बी बी एंड इंट्रोड्यूस किया और बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल अगर ऐसा लगता है तो क्या होगा साहब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो इंडिया की है वो उस कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन शुरू कर बोले गी। भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप दिमाग खराब है क्या आपका साहब हमारे देश के लोग टेररिस्ट बन जाएंगे गुंडे बन जाएंगे सर मारने आएंगे आपको ये हमको मत बोलना बाद में आप सर और ऐसे केस में गवर्नमेंट उनको इंटीमेशन देगी कि साहब आप ये गलत कर रहे हो और हमने जो आपने हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी और एंटी सब्सिडी ड्यूटी को सर एब्सॉर्व किया है उसको हम दूर करने के लिए अगेन हमारा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है या एंटी सब्सिडी ड्यूटी है इसका मोड फॉर्म या जितना परसेंटेज लगाया था उसको हम चेंज कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं इंक्रीज कर रहे सो दैट सर अगेन हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स की वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू आ जाए एंड सर गवर्नमेंट चाहे तो एक बार इसको प्रोविजनल बेस पे भी चार्ज कर सकती है एंड सर उसके बाद जो फाइनल डिसीजन आएगा अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कैन चार्ज द

हम एक जहां से इंपोर्ट कर रहे वो कंट्री अगर एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्री है या ऐसी कोई कंट्री जिसके साथ में मोस्ट फेवर्ड नेशनल एग्रीमेंट हो रखा है तो सर उस कंट्री के साथ वैसे भी इस तरह का एग्रीमेंट है कि वो इस तरह की गुड्स को डम्ड प्राइस पे या सब्सिडाइड प्राइस पे इंडिया में नहीं भेजेगी तो ऐसे केस में चार्ज नहीं करने का अनलेस स्पेसिफिकली प्रूव हो जाए कि साहब उन्होंने सब्सिडाइज प्राइस पे या डम्ड प्राइस पे गुड्स भेजी तो बात अलग हो जाएगी अदरवाइज नॉर्मली नहीं होगा सर ये देन सर अगर वो जिस कंट्री से गुड्स इंडिया में आ रहा है वो कंट्री

उंटरिंग ड्यूटी ऑन आर्टिकल या एंटी डंपिंग ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे अगर सर वो कंट्री ऑफ ऑरिजिन अप्रूव कर देगी सर हमने कोई सब्सिडी नहीं दिया है या हमने कभी भी सर डम्प प्राइस पे गुड्स नहीं बेचे तो ऐसे के हम चार्ज नहीं करेंगे देन सर सेंट्रल गवर्नमेंट एक अग्री है सर जिस कंट्री ऑफ ऑरिजिन से गुड्स इंडिया में आ रहा है वो गवर्नमेंट अगर बोल दे कि हम हमारी प्राइस रिवाइज रिवाज करे हमारी सब्सिडी चेंज करें साहब सब्सिडी हटा रहे तो ऐसे केस में हमें एंटी सब्सिडी की जरूरत नहीं है या फिर वो एक्सपोर्टर के एक अंडरटेकिंग दे, दे दे हमारी गवर्नमेंट को कि साहब मैं अपनी प्राइस रिवाइज जो प्राइस था उसको नॉर्मल प्राइस पैके आ रहा हूं। तो ऐसे केस में हम एंटी डंपिंग चार्ज नहीं करेंगे हमें क्या दिक्कत है हमें तो इक्वलाइज करना है क्या अपील सरकार सेक्शन नाइन सी अपील अगर मान लो कभी एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी लग गया और आपको लगता है गलत लगा है या फिर मान लो कभी गवर्नमेंट के पास में इंक्वायरी एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी की और उन्होंने ऑर्डर दिया कि एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी नहीं लगना चाहिए और आपको लगता है कि बड़ी ना इंसाफी देश के लोगों को लगता है बड़ी ना इंसाफी तो ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं अपील फाइल कर सकते हैं टू डी सेट मतलब कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपले ट्रिब्यूनल जैसे जीएसटी में जीएसटी आटी है इनकम टैक्स में आई टी वैसे ही सर कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपने ट्रिब्यूनल पे अपील कर सकते हैं विद इन नाइनटी डेज एंड सर नब्बे दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी इन दिस्क्राइफ फॉर्म फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आपकी अपील अगर सर सही है तो अपील एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटिंग हर्ड विल गिव द जजमेंट एंड अकॉर्डिंगली सर न्याय दिया जाएगा आपको इंसाफ मिलेगा सर आपको ओके मोड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ थ्री सेवन नाइन थ्री नाइन सर कहा थ्री सेवन थ्री नाइन किस तरह से चार्ज होता सिंपल सेक्टर है मैंने सर यहाँ पे आ गया क्या वैल्यू ऑफ गुड्स देन बेसिक स्टी सोशल वेलफेयर सर चार्ज और सर यहाँ पे ऑल अदर ड्यूटीज भी आ जाएगी बेटा ऑल अदर ड्यूटीज भी यहां पे आ जाएगी उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू फॉर दी पर्पज ऑफ थ्री सेवन एंड थ्री नाइन एंड सर जिस वैल्यू पे थ्री सेवन लगेगा उसी वैल्यू पर थ्री नाइन भी लगेगा क्लियर और टोटल आ जाएगी कॉस्ट यहाँ पे ओके देन प्रोजेक्ट इंपोर्ट एलिजिबल प्रोजेक्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया सर अगर आप बाहर से कोई आउट ऑफ इंडिया से कोई पूरा पूरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट करो तो उसके लिए अलग से हेडिंग दे रखी है कि नाइन एट जीरो वन टेरिफ के अंदर उस टेरिफ में कंसेशन रेट से कस्टमर है सो दट प्रोजेक्ट इंपोर्ट आ रहा है इंडस्ट्री इंडिया में आएगी साहब बेनिफिट होगा देश के इकोनॉमी को इसलिए कंसेशन रेट पर कस्टमर रखा है गवर्नमेंट ने यह भी बोल दिया क्या अगर आप नया प्रोजेक्ट लेकर तो वो तो ठीक है सर अगर आप एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का मोर देन ट्वेंटी अगर कैपेसिटी भी इंक्रीज करो तो उसको भी हम प्रोजेक्ट इंपोर्ट में क्लासिफाई करेंगे प्लस अगर आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट ला रहे हो तो सर साथ में कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स एक्सेसरीज कंज्यूमेबल्स सर वो अप टू टेन परसेंट ऑफ द गुड्स अगर ला रहे हो तो उसको भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट में काउंट करेंगे और प्रोजेक्ट इंपोर्ट का का जो बेनिफिट है वो इनके भी मिलेगा अच्छा देर इज नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर दी पर्पज ऑफ बींग क्लासिफाइड अंडर द प्रोजेक्ट इंपोर्ट और एलिजिबल प्रोजेक्ट क्या है लगभग सारे एलिजिबल प्रोजेक्ट आर इंडस्ट्रियल प्लांट्स इरगेशन पावर माइनिंग प्रोजेक्ट ऑयल एंड अदर मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट एंड एनी अदर प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाई दी सेंट्रल गवर्मेंट मतलब लगभग लगभग

पर्पज पूरा हो रहा है भारत माता की जाए थैंक यू सो मच माहौल जबरदस्त शानदार सर वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट का सर माहौल लिखते हुए थैंक यू सो मच लव यू अलॉट